दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। और हम इस समय आ चुके हैं खजुराहो, मध्य प्रदेश के खजुराहो में हैं। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो का, जो मतंगेश्वर महादेव मंदिर है। और यहाँ पीछे देख सकते हैं, ये है पुरातन विभाग, और इसी के बगल में है ठीक मतंगेश्वर महादेव का शिवलिंग, जो वाराणसी के ही प्रसिद्ध तिलभंडेश्वर महादेव की तरह प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है। और ये इस समय अंदर से इसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट है, और ये जितना ऊंचा है अंदर से भी उतना ही है। और ये चलते हैं, हम आपको अंदर से दिखाते हैं। और इस स्थल से जुड़ी हुई जो कथा है वो हम आपको मंदिर से दर्शन करने के पश्चात सुनाते हैं। और ये चलते हैं, हम अंदर मंदिर देखते हैं। बढ़ते हैं मंदिर में आगे की तरफ। ये है हमारे सामने, देख सकते हैं, ये है मतंगेश्वर महादेव का मंदिर। और ये चलते हैं इसमें आगे। ये आप जो गणपति जी देख रहे हैं, ये भी लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। इनकी इस समय आप स्थिति ये देख सकते हैं। आइए चलते हैं मंदिर में आगे बढ़ते हैं। आप ये शिवलिंग देख सकते हैं, ये 9 फीट की आकृति में है। दोस्तों, इस मंदिर के जो गुरुजी हैं वो हमसे, अब इनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं और इस स्थल के बारे में हम गुरुजी से जानते हैं, जो हमको बहुत अच्छे से बताएंगे। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सर गुरुजी, आप इस स्थल के बारे में बता दीजिए। हाँ, इस स्थल के बारे में, ये 18 फीट की मूर्ति, 9 फीट में दर्शन हो रहा, 9 फीट नीचे है, स्वयंभू भगवान बताया गया है इनको। और इनकी नीचे मणि बताई गई है। द्वापर में उनने, मतंग ऋषि ने, जो सबरी जिनके आश्रम में रहती थी, उनने मणि द्वापर में पांडवों को दी थी। इसके हाँ, इसके बाद में वो कालिंजर के किला में रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद शकुनी मामा ने उनके ऊपर आक्रमण किया। वो लोग वहाँ से दहशत के कारण छोड़ करके भाग जाते हैं। उनको स्वप्न होता है कि आप कोई ऐसे स्थान में रखवाइए जहाँ की सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, तो विश्व का कल्याण हो। तो उनने यहाँ पर इस मूर्ति के निकट ही मूर्ति को, मणि को रखवाया, और उसी समय पर ये मंदिर की स्थापना करवाई। वो क्योंकि वो शिव भक्त थे, तो उनने 8वीं सदी में उसी समय पर मंदिर बनवाया और मणि को रखवाया। सो दोस्तों, गुरु जी के द्वारा बताई गई इस मंदिर के बारे में जो भी जानकारियाँ थी, ये देख सकते हैं, ये है स्वयंभू शिवलिंग, जो 9 फुट ऊपर है और 9 फीट ही नीचे है। और आइए चलते हैं मंदिर के बाहरी परिसर को देखते हैं। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं, ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा है। और इसी से आगे बढ़ते हुए हम आपको इस स्थल के बारे में जो कथा है वो आपको हम बताते हैं। इससे जुड़ी हुई एक कथा है, जिसमें भगवान शिव के पास एक मरकत मणि थी, जिसको युधिष्ठिर ने बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद प्राप्त किया था। और उनके द्वारा ही ये मणि मतंग ऋषि को समर्पित किया गया था, जिसके पश्चात उन्होंने, उनके मतंग ऋषि को स्वप्न आता है कि इस स्थल, इस मणि को किसी ऐसे स्थल पर स्थापित कर दें जिससे लोगों का कल्याण हो जाए। तो मतंग ऋषि ने उस मणि को इस स्वयंभू शिवलिंग के नीचे स्थापित किया। और आइए चलते हैं, अब हम मंदिर के पीछे परिसर से, आप देख सकते हैं ये मंदिर का पिछला परिसर था। और आइए चलते हैं, इससे हम आगे बढ़ते हैं। और इस स्थल, इस स्थल का नाम मतंग ऋषि के नाम पर ही मतंगेश्वर महादेव पड़ा है। लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी में बना हुआ यह मंदिर, बहुत ही मनोकामना सिद्ध करने वाला मंदिर है। और इसमें दर्शन करने के पश्चात लोगों को बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि इतना बड़ा शिवलिंग और पूरे भारत में और कहीं नहीं है। भारत में ऐसे 5 शिवलिंग हैं जिसमें, जो प्रतिवर्ष बढ़ते रहते हैं, उनमें से एक ये है जो मतंगेश्वर ऋषि के नाम से प्रचलित है। और हमारे वीडियो में आप इसके पहले आपने देखा होगा कि श्री तिलभंडेश्वर महादेव, और उसके बाद हमारा ये दूसरा वीडियो है। और आइए चलते हैं अब हम अपने घर की तरफ। और प्लीज़ मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।